गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, और कैसे हैं आप सब। ये है गांव में और छत का नज़ारा। सुबह सुबह हमारी छत पे इतने सारे मोर आ जाते हैं, और देखो कैसे कितना प्यारा लगता है सुबह सुबह मोर की आवाज़, चिड़िया की आवाज़ चहचहाने की, बहुत ही प्यारा सुंदर नज़ारा लगता है। और देखो सुबह के 6 बज रहे हैं और इतनी अच्छी खिली खिली सुबह की धूप काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत प्यारी। हेलो, वेलकम टू जानवी ठाकुर फैमिली, और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, और मैं इस वक्त हूँ अपने गांव यानी कि अपनी ससुराल में, और सब लोग गए हुए हैं खेत पे हमारे यहाँ जो बांस के पेड़ हैं उसको बांस काटने के लिए। और जानवी भी गई है, उसकी दादी दादू और जो मेरी फुफिया सास आ रखी हैं वो भी, प्रिया भी और मेरे हस्बैंड भी, सब लोग खेत पे गए हुए हैं। मैं ही घर पे अकेली हूँ, पूरे घर पे मैं अकेली हूँ इस वक्त। और घर का मैंने आपको अपनी ससुराल का टूर आपको कराया था, आप मेरे ब्लॉग में जाके चेक करना कि मेरे ससुराल का घर कैसा है कैसा नहीं है। और मेरी हालत आप देख सकते हैं, पसीने में बेहाल हूँ और गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि बहुत ज़्यादा। और मैं बना रही थी खाना और उसमें मेरा ये हाथ जल गया है, एक इधर और एक इस तरफ, ये रेड रेड आपको दिख रहा है क्योंकि एकदम हड़बड़ी में काम होता है ना, तो मैं थोड़ी होपलेस सी हो जाती हूँ। तो काम कर रही थी मैं, और मैं बना रही हूँ क्या, मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट। ये देखिए, ये मेरी बन रही है कढ़ी, और कढ़ी बस अब इसमें अच्छे से उबाल भी आ गया है, पकोड़े भी मैंने डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ा मैंने खदकने के लिए छोड़ दिया है, अब ये स्लो गैस पे ऐसे हल्का मैंने इसको ढक दिया है और बन रही है। इधर मैंने अपना दूध भी गर्म कर लिया है, और ये मेरे बन चुके हैं चावल, ये देखिए। और अभी मैंने आटा भी अपना छान के रख लिया है। अभी मेरा खाना बन चुका है, बस कढ़ी बनने में 5 या 10 मिनट की ही देर है। सब लोग जब वहाँ से आ जाएंगे फिर उसके बाद मैं तुरंत फटाफट आटा लगा के रोटियां सेकनी रह जाएंगी, तो मैं रोटियां बना दूंगी और फिर क्या, वही अपना घर का काम आराम करो वही सब। और गांव में आ जाओ ना तो पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो जाती है। यहाँ पे 5 बजे उठती हूँ मैं गांव में, और वहाँ आगरा 7, 7:30 जब मेरी आँख खुल जाए, मतलब 7 तो बज ही जाते हैं मुझे। और इसी के साथ मेरे ब्लॉग को आप पूरा देखा करें, उसे लाइक करा करें, उसको शेयर करा करें, अच्छा लगा करें तो। और जो भी मेरे चैनल पे नया है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो से मैं आपका मनोरंजन कर सकती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और फिर बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और देखती हूँ मैं गांव में क्या होता है वो आपको मैं दिखाती हूँ। सुबह सुबह हमारी छत पे ना मोर आते हैं, तो मैंने मोर का भी क्लिप लिया है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी, वो देखना ज़रूर। तो बने रहिए मेरे साथ। ये है हमारे खेत का व्यू, आप देख सकते हैं, जो कि रास्ते में मेरे बना के लाए थे वीडियो। किसके साथ आई है? और मैंने आपको बताया था कि जानवी गई थी उनके साथ, तो जानवी देखो देख रही है, उसको गोदी से उतार दिया था उन्होंने। और ये मुझे नहीं पता कि खेतों में क्या हो रहा है, मैं नहीं जानती क्योंकि मैं गई नहीं थी और मुझे कुछ इसके बारे में पता भी नहीं है। और जानवी को नया नया नज़ारा बहुत प्यारा लग रहा था। और ये थे हमारे बांस के पेड़, जो कि बांस, और ये मेरी बुआ सास और मेरी सासू माँ थक गई चलते चलते तो वो बैठ गई थी। जान भी अपना मिट्टी में लगी हुई थी। खेत
खेत पे से आने के बाद हमने जाह्नवी के बालों की कटिंग करवा दी, थोड़ा साइड साइड से उसके बाल छटवा दिए, मतलब उसके थोड़े बड़े नहीं हो रहे थे, पहले उसके कर्ली हेयर थे और अब थोड़ा दो तीन बार हमने उसको गंजा करा दिया तो अब उसके बाल थोड़े सही आए हैं। तो गांव में हमने उसकी हमने ऐसे बोला भैया से कि आप साइड से ऐसे छाट दो ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी आए, तो कितनी आराम से बैठी हुई थी। मैंने जाह्नवी के 5-6 बार बाल कटवा दिए और 2-3 बार गंजी भी हो चुकी है और वो आराम से अपनी कटिंग करवा लेती है, वो रोती नहीं है। इसके बाद मैंने इसको नहलाया था और ये देखिए, ये मेरी बुआ बुआ सास वो हैं जिनकी पीठ हो रखी है और सासू माँ सामने बैठी हैं, वो जाह्नवी से कर रही हैं मस्ती और कर रही हैं आपस में अपनी बातें, और दोनों ननद भाभी अपनी इधर उधर की बातें जो भी होती है ननद भाभी की, और मेरी फुफिया सास थोड़ा अपने पैरों से परेशान रहती हैं, उनके पैरों में दर्द बहुत रहता है क्योंकि उन्हें चलने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी, अब एज के अकॉर्डिंग उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम तो सभी के साथ होती है, जब जैसे जैसे अपने अपनी भी उम्र बढ़ेगी तो हमारे हमको भी ये सब फेस करना पड़ेगा। और इसके बाद मैं थोड़ा बाहर गई थी और जाह्नवी को थोड़ा घुमाने के लिए, और आप देख सकते हैं मैंने घर से बाहर घूंघट कर रखा है, मैं अपने घर में तो नहीं करती हूँ पर मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे करना पड़ता है। और जाह्नवी ये मेरी जेठानी लगती है गांव में, उनकी गोद में है। उसके बाद वहाँ से आने के बाद जाह्नवी फिर अपने दादा दादी के साथ करने लगी मस्ती। ये देखिए और इसके बाद मैं तैयार होके गई थी अपनी मौसी के यहाँ पे, और ये है मेरी मौसी का बेटा मेरा भाई, इसकी मैं शुरू से राखी और दौज करती हूँ। तो मैं एक दिन लेट हो गई थी क्योंकि रक्षाबंधन निकल चुका था, और फिर भी इस बार 2 दिन का रक्षाबंधन था तो हमने 2 दिन का ही मेरा मन गया, और बाय चांस जब मैं मौजूद थी और वो भी इस वक्त गांव में था मौजूद, तो मेरा उससे मिलना हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं मिलना हो पाता है तो मैं राखी भेज देती हूँ, तो जब साथ में है तो मिलना हो गया तो फिर मैं अपने भाई की राखी बांधने चली गई। और मायके में आपने देखा ही था मेरे छोटे छोटे भाई थे, ये ही एक बड़ा भाई है। तो इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।